हाई गाइज, वेलकम टू एस सी गेट पी एच यू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाई अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट सिक्स है। पार्ट सिक्स में हम लोग एवरेज स्पीड की बात करने वाले हैं। एवरेज स्पीड जो है इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। गेट में दो बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी इस पर बेस्ड एक बार क्वेश्चन आ चुका है और पब्लिक सेक्टर पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप बाइजाक का पेपर देने जाओ, बाइजाक स्टील प्लांट का, या फिर CIL का देने जाओ, या फिर आप NIC का देने जाओ, तो उसमें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि एवरेज स्पीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ये टॉपिक बहुत लोग ईजी ले लेते हैं। ईजी होता है ये टॉपिक, ईजी है डेफिनेटली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण लोग गलत इसका आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस जो क्वेश्चन आए उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से समझे, आप कोई भी एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सबको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, सबको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड थ्रू आउट द जर्नी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द जर्नी। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि अगर आप कोई जर्नी ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो जर्नी में जितना डिस्टेंस चलते हो और जितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड निकल जाता है। मैं काम करता हूँ, आपको डायग्राम फॉर्म में समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंसान है या आप ही हो, ए से बी तक आपको जाना है, ए से बी तक जाना है आपको। ठीक है, आप मान लो कि थ्रू आउट जर्नी आप 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, मतलब थ्रू आउट द जर्नी आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो, ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, ये सोर्स पॉइंट ए है और डेस्टिनेशन क्या है, बी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर थ्रू आउट द जर्नी। तो जर्नी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए से बी तक, कितना डिस्टेंस चल रहा है, एक्स, तो एक्स डिस्टेंस ले लिए। अब किससे डिवाइड करना है, टोटल ए से बी तक जर्नी में जितना टाइम लगेगा, तो ए से बी तक जाने का टाइम कैसे पता चलेगा, हमको टाइम तो दिया नहीं है, तो जब डिस्टेंस और स्पीड दिया तो हम टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, तो एक्स बाई 30। अब यहाँ पर टाइम से डिवाइड करने के एक्स बाई 30, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज जो आपकी स्पीड आई वो आपके स्पीड के बराबर आ गई। मतलब देखो, जब कोई जर्नी आप ट्रेवल करते हो, थ्रू आउट आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो आपका जो एवरेज स्पीड आएगा वही स्पीड होगा जो आपका स्पीड होगा। ठीक है, अगर मान लो आप अपने फ्रेंड के, आप अपने घर से स्टार्ट करते हो बाइक 30 किलोमीटर पर आवर से, अपने फ्रेंड तक के घर तक जाते हो और कहीं भी स्पीड चेंज नहीं करते हो, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऐसा तो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आपसे पूछेगा नहीं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें होता क्या है, इसी जर्नी को 2-3 पार्ट में ब्रेक कर देगा। ठीक है, फिर आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो कि आपको ए से बी तक ही जाना है, ए से बी तक ही जाना है, लेकिन मान लो कि आप सी एक पॉइंट है मिडिल में, मान लो एक मिडिल में एक सी पॉइंट है, जहाँ तक आप ए से सी तक जाते हो, तो मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, आप घर से निकले थे 30 किलोमीटर पर आवर, जैसे आप सी तक गए, आप 30 किलोमीटर पर आवर तक गए, लेकिन सी के बाद आपका स्पीड चेंज हो जा रहा है, मान लो कि मैं बोलूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, तो आप अब आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा। मतलब कि टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो ये एक्स बाई टू मान लो, ये डिस्टेंस को क्या मान लो, एक्स बाई टू मान लो। ठीक है, तो हाफ जर्नी आप 30 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हो और नेक्स्ट हाफ जर्नी को 20 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग तो ऐसे सोचते हैं, देखो बहुत लोगों को सोचने का तरीका ये होता है कि आधा जर्नी 30 से गया, आधा जर्नी 20 से गया, तो काम करते हैं दोनों स्पीड के एवरेज ले लेते हैं। तो बहुत लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे करते हैं 30 + 20 / 2, और ये कितना गया, 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। इन दोनों स्पीड का क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और आंसर में भी ये ऑप्शन में भी 25 किलोमीटर पर आवर दिया रहता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, जो लोग ऐसे करते हैं उनके लिए एक बात बता दूं मैं, एवरेज और एवरेज स्पीड दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना कि एवरेज क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते, तो देखो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड का, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा कि टोटल जर्नी में जितना डिस्टेंस चलते हो, तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ए से, और कहाँ तक गए हो, बी तक, कितना डिस्टेंस गए हो, x/2, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना गए, x। आपका एक ही टास्क रहेगा कि टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस चले होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, अब टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम दोनों का निकाल लेते हैं, तो x/2 चलने में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
तो x बाई टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 30 कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आ जाएगा ए से सी तक, उसी तरह सी के सी से बी तक का डिस्टेंस टाइम कैसे निकालेंगे, तो x बाई टू डिवाइडेड बाई 20, क्लियर है। तो यहाँ से टाइम निकल गया, अब इन दोनों टाइम का ऐड कर लेंगे और नीचे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बाई 60 प्लस x बाई 40, क्लियर है। अब x ऊपर नीचे कामन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉल्व करके देखना आपका 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसका मतलब ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एवरेज निकाल रहे थे दोनों का कितना रहता है 25, तो एकदम क्लियर हो गया एवरेज और एवरेज स्पीड दोनों क्या होता है अलग अलग होता है। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, सिंपल सा आपका एक ही काम है, जब भी एवरेज स्पीड निकालो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक का टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम निकालो, ठीक है। अब मान लो कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कोई बंदा ऐसे स्टार्ट करता है, एक ही जर्नी को पांच पार्ट में किया है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से क्या गया एफ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एवरेज स्पीड निकालो तो आप क्या करोगे, पहले ए यहाँ से लेके यहाँ तक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस निकालना और टाइम निकालना, ठीक है। अब टाइम क्या होगा, जर्नी कितने पार्ट में किया, 1 2 3 4 5 पांच पार्ट में किया है, तो पहले पार्ट में T1 आएगा, ठीक है, दूसरे पार्ट का T2 आएगा, तीसरे पार्ट का T3 आएगा, फोर्थ पार्ट का क्या आएगा T4 आएगा, फाइव पार्ट का क्या आएगा T5 आएगा। फिर टाइम का क्या करोगे सम कर दोगे, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस को क्या करोगे सम करोगे, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करोगे, और कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जर्नी कितने पार्ट में भी ब्रेक करे आपको उससे लेना देना नहीं है, हर पार्ट का डिस्टेंस निकालना है, हर पार्ट का टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस का सम करना है, टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, बस आपका यही काम है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड जब भी निकालना होगा तो जर्नी कितने भी पार्ट में ब्रेक रहेगी आपको हर पार्ट का डिस्टेंस निकालना है, हर पार्ट का टाइम निकालना है, सारे डिस्टेंस को सम करना है, सारे टाइम को सम करना है और डिस्टेंस को टाइम से क्या करना है डिवाइड कर देना, आपका एवरेज स्पीड आएगा, बस यही आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। जब इतना आप याद रखोगे तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आप पढ़ो खुद से, ठीक है, और मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिया है एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस चलती है 20 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर, फिर 20 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर, फिर 60 किलोमीटर इन लास्ट 5 आवर। मतलब देखो एक ट्रेन है कितने पार्ट में जर्नी कर रही है, 3 पार्ट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो, ऐसे ऐसे फिगर आप बनाना सीखो, एक ऐसे 3 पार्ट में, ठीक है। पहले क्या बोली है, वो बोला गया कि ये 20 किलोमीटर चलती है कितने टाइम में, 2 आवर में, ठीक है। फिर 20 किलोमीटर चलती है कितने देर में, 20 किलोमीटर चलती कितने देर में चलती है, 3 आवर में। फिर 60 किलोमीटर कितने देर में, 5 आवर में, ठीक है। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड क्या बोलता है कि टोटल डिस्टेंस सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन तक का, तो कितने पार्ट में, तो सारे पार्ट का डिस्टेंस निकालो। तो देखो 20 डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया है, या इस वाले जर्नी में भी डिस्टेंस दिया, इस वाले पार्ट में भी डिस्टेंस दिया है, तो सारे डिस्टेंस को सम कर दो, 20 + 20 + 60, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बोला गया कि हमको क्या करना है, हर पार्ट का टाइम निकालना है, तो टाइम भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तीनों का, तो तीनों का टाइम सम कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, अब ये टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 + 40 100 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बस इसलिए ये सॉल्व कर रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एवरेज स्पीड जब भी आपसे बोला जाए हर एक पार्ट, जैसे ये जर्नी देखो, ये एक फिर से रिपीट करो, एक जर्नी में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट में किया गया है, तो हर पार्ट का डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालो हर पार्ट का। देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस और टाइम दिया है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, डिस्टेंस और टाइम दिया, मतलब आपका क्वेश्चन क्या कर दिया, आसान कर दिया है। ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे स्पीड दिया होता तो आपको टाइम निकालना पड़ता, यहाँ भी स्पीड दिया होता तो टाइम निकालना पड़ता, यहाँ भी स्पीड दिया होता तो टाइम निकालना पड़ता, ठीक है। या फिर मान लो कि यहाँ पे स्पीड दिया होता तो आपको यहाँ टाइम कैलकुलेट करना होता, ऑलरेडी यहाँ पे टाइम दिया होता। तो आपका मेन टास्क यही है कि हर पार्ट का डिस्टेंस और टाइम निकालना, डिस्टेंस को सम करना, टाइम को सम करना, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट ए 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। पूरी जर्नी का आपसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो कोई इंसान ऐसे स्टार्ट करता है ए से बी तक जाता है, मान लो ये ए है और ये बी है, ए से बी तक गया,
ठीक है। तो जाते वक्त वो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर से गया, और आते वक्त कितना से आया, 40 किलोमीटर पर आवर से आया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे लोग देखते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, और डिस्टेंस जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस आया, तुरंत लोग क्या करते हैं 60 और 40 का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि आंसर हो जाएगा 60 और 40 का एवरेज लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया, और ऑप्शन में भी दिया हुआ सी, सी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा मेन टास्क क्या होता है, देखो ये जर्नी टू पार्ट में है, एक जाने की बात किया और एक आने की बात किया है, तो ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो टू पार्ट में है। अगर केवल पूछे कोई कि जाने का एवरेज स्पीड कितना होगा तो 60 आप बोल दोगे, आने का कितना होगा क्योंकि 40 हो जाएगा, 40 बोल दोगे, लेकिन जाने प्लस आने दोनों को मिला के बाद पूछा गया है, मतलब कि जितना डिस्टेंस आपको जर्नी का टोटल जर्नी कहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, देखो ऐसे सोचो, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे गया और फिर यहीं वापस आ गया, ठीक है, तो आप सोचो कि कितना डिस्टेंस चला, तो जितना घर ए से बी का डिस्टेंस होगा उसका डबल चला होगा, जाने में उतना गया होगा, आने में उतना गया आया होगा, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, एक्स गया एक्स आया, तो एक्स प्लस एक्स 2x, क्लियर है। अब हमको टोटल होल जर्नी का हमको डिस्टेंस पता चल गया, तो होल जर्नी का टाइम निकालते हैं, तो जाने का टाइम क्या होगा, तो जाने जाते वक्त क्या होगा, x डिस्टेंस गया होगा कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लिया होगा जाने का, तो x डिवाइडेड बाई 60 जाने का टाइम लिया होगा, और आने का कितना, x डिस्टेंस आया कितने से आया, 40 किलोमीटर पर आवर से आया, तो आने का कितना टाइम लिया होगा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/60 प्लस 1/40। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 60 × 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करोगे, जब भी इसको सॉल्व करोगे आप, तो कितना आंसर देखो क्या आ जाएगा, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, मेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना था, 100 यहाँ दिख रहा था, 2 0 खत्म, तो 6 × 4 24 और 2 48 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब आंसर कौन सा हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन जो लोग नॉर्मल एवरेज निकालेंगे वो सी क्लिक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो एवरेज और एवरेज स्पीड दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, गलती हो सकता है, ये गलती बहुत लोग करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब कुछ लोग को दिमाग में आता है कि सर ये जो एवरेज स्पीड निकाले हैं, तो बेसिकली ये जो नंबर है ये देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि हार्मोनिक मीन ऑफ 60 और 40 है, ठीक है। इसका मतलब क्या, हार्मोनिक जो मीन होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड जो होता है वो क्या एवरेज के बराबर होता है क्या? तो एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आते हैं टू केस होते हैं, केस वन केस टू, ठीक है। केस वन ही अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए, तो केस वन भी था कैसे था, देखो जब हम लोग किसी जर्नी को कवर करते हैं सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, और उसको कई पार्ट में ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, कोई ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो टू पार्ट में जर्नी को किया था, ठीक है। जितने भी पार्ट में करो, अगर हर पार्ट की डिस्टेंस सेम है, हर पार्ट की डिस्टेंस सेम है, तो आप उसका स्पीड का हार्मोनिक मीन निकाल दो, एवरेज स्पीड के बराबर होगा, क्लियर है। जैसे देखो मैं अब एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, मान लो कि कोई ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, अब फिर से बी से वापस ए तक आया, तो देखो ये जर्नी टू पार्ट में ब्रेक है, ए से बी तक जाने की बात है और बी से ए तक आने की बात है, तो ए से बी तक जाने में डी डिस्टेंस लिया है और बी से ए तक आने में डी डिस्टेंस लिया है, तो दोनों पार्ट में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जब इस जर्नी में डिस्टेंस सेम होगा तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे आपको क्या करो, S1 S2 का हार्मोनिक मीन निकाल दो, वही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आया, मान लो कोई स्टार्ट करता है ए से बी तक जाता है, अब इसी जर्नी को अगर मान लो मैं बोलूँ कि कोई सी और पी से होके जाता है, ठीक है, ए से बी तक जाता है सी और पी से होके, तो ये जर्नी कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 2 3, ये जर्नी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हर पार्ट का डिस्टेंस सेम है, देखो ए से सी तक का डिस्टेंस डी है, सी से पी तक का डिस्टेंस डी है, पी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, डी है, तो हर पार्ट का डिस्टेंस सेम होगा, तो वहाँ भी आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी सारी स्पीड है तीन पार्ट में तो तीन स्पीड होगा, S1, S2, S3 का क्या करना है आपको, हार्मोनिक मीन निकाल लेना है, जब तीनों का हार्मोनिक मीन निकाल लोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन मान लो कि यही डिस्टेंस इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड के बराबर नहीं होता। तो आज के बाद याद रख लो कि एवरेज स्पीड जो होता है हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। कब होता है? जब जर्नी जब जो पार्ट पार्ट में ब्रेक होता है हर पार्ट की डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए थे, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि ए से बी तक गया था, बी से ए तक आया था, तो दो पार्ट में ब्रेक था जर्नी, तो जाने का डिस्टेंस डी लगा था, आने का डिस्टेंस क्या लगा था, डी लगा था। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमेशा एवरेज जो होता है हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड के बराबर हमेशा नहीं होता है। वो तभी बराबर होता है जब हर पार्ट का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है? जब भी हर पार्ट का डिस्टेंस इक्वल होगा तो आप डायरेक्टली हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड आपका हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड निकाल लेना, वही आपका एवरेज स्पीड हो जाए। तो आई थिंक सबको केस वन क्लियर हो गया होगा। अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू में क्या होता है, व्हेन टाइम इज इक्वल इन ईच जर्नी, ठीक है। अगर कोई जर्नी ट्रेवल कर रहा है ए से, मान लो कहीं कहीं सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा है, उसको कई पार्ट में ब्रेक करके जा रहा है और हर पार्ट में टाइम सेम हो, तो उस समय एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो देखो मान लो ए से सी तक जाना है उसको, और ए से बी तक जाने में टाइम टी लेता है, फिर बी से सी तक जाने में टाइम टी लेता है। ये टाइम देखो, ये जर्नी दो पार्ट में ब्रेक है, एक ये और एक ये, तो दोनों पार्ट में टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तब एवरेज स्पीड क्या होता है। तो तब एवरेज स्पीड जो होता है कुछ नहीं होता, वेलोसिटी का एवरेज के बराबर होता है। तो वेलोसिटी का एवरेज ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, दोनों वेलोसिटी का एवरेज ले लो, वही आंसर हो जाएगा। अगर ये तीन अगर मान लो ऐसे फिगर ऐसे होता, ठीक है, ये तीन पार्ट में ऐसे ब्रेक होता और तीनों में टाइम टी लगता, ठीक है, यहाँ से एस वन जाते, यहाँ से एस टू जाते, यहाँ से एस थ्री जाते, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होता, तो कुछ नहीं होता, आपको एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री कर देते। तो एवरेज जो होता है, एवरेज जो स्पीड होता है एवरेज के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसके होने के लिए कंडीशन क्या है कि ईच पार्ट में जो जर्नी है हमेशा टाइम क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फार्मूला कैसे आ गया, तो आप देख सकते हो, ऐसे सोचो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम टी लिया, यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लिया है, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी तक का टाइम दिया, स्पीड दिया, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस वन स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। उसी तरह यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस टू इंटू टी, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो ए से सी तक टोटल होल जर्नी में कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो पहले पार्ट में चल रहा है एस वन टी, फिर दूसरे पार्ट में एस टू टी, दोनों को सम कर लिए, और टोटल टाइम कितना ले रहा है टी, यहाँ ऐसो ले टोटल टाइम क्या, पहले में टी ले रहा है, दूसरे में भी टी ले रहा है, तो टी प्लस टी कर देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। देखो ये बनाए कि नहीं बनाए। तो जब भी किसी जर्नी में हर पार्ट का जर्नी अगर टाइम और टाइम इक्वल है हर पार्ट में, तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो जो होता है नॉर्मल एवरेज आप स्पीड के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर थ्री को कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट एंड ही ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी विथ द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 40 मिनट। देखो क्या बोला गया है कि एक मैन है, यहाँ से ए से बी तक जाता है, ठीक है, बी से फिर सी जाता है, तो यहाँ तक जाने में 40 मिनट लेता है, ध्यान रखेंगे 40 मिनट लेता है। बी से सी तक जाने में कितना लेता है, 40 मिनट लेता है। यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर से गया है और यहाँ से कितना गया, 60 किलोमीटर पर आवर से गया हुआ है। तो देखो ए से बी तक, बी से सी तक, ये टाइम क्या है, कॉन्स्टेंट है दोनों जगह। तो आपको डायरेक्ट आपको एवरेज स्पीड का निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। तो 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में टाइम कॉन्स्टेंट मिलेगा तो क्या करोगे आप, नॉर्मल एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते रहूँ, आपको दो केस ध्यान रखना है। जब भी एवरेज स्पीड में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है हर पार्ट में, तो मतलब उसका हार्मोनिक मीन आप स्पीड निकाल दो। अगर हर पार्ट में टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज निकाल दो स्पीड का, वही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट भी अप्लाई करेंगे या फिर नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड हमको आना चाहिए। अब दोनों मेथड से हम लोग बात करेंगे कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो गेट के एग्जाम में आया हुआ है।
ये क्वेश्चन नंबर फोर, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फोर को क्या करना है, सबको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर सबको पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ के आपको करना क्या है, खुद से ट्राई करना है और देखना है कि क्या क्या मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, या फिर अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट आ रहा है या फिर टाइम कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वो भी मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को सब लोग खुद से पढ़ो और ट्राई करो। तो सब लोग क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, बहुत लोग आंसर निकाल लिए होंगे, जिनसे नहीं निकला आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ इसे क्वेश्चन को कैसे करना है। बोला है कि डिम्पल है, कवर फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस वॉकिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वन थर्ड ऑफ डिस्टेंस रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, एंड रेस्ट साइकिलिंग एट द 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो क्या होता है कि एक इसको टोटल यहाँ से यहाँ तक मान लो जाना है, तो इसका वन बाई थर्ड हिस्सा जो है वो कितने से जाती है, 2 किलोमीटर पर आवर से। फिर नेक्स्ट 1/3, ठीक है, सेकेंड 1/3 मतलब कि यहाँ से फिर 1/3 डिस्टेंस जाती है कितने से, 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है कि रेस्ट, अब देखो वन थर्ड दो बार चली गई तो 2/3 चली गई, अब कितना बचा, तो जो बचा हुआ होगा वो 1/3 ही तो होगा, और कितने से गई हो, 6 किलोमीटर पर आवर से गई है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो आपको पता है कि ये जो डिम्पल है तीन पार्ट में जर्नी को ट्रेवल की है, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का जो डिस्टेंस है क्या है, सेम है, क्योंकि 1/3 डिस्टेंस गई है, 1/3 डिस्टेंस गई है, 1/3, तो तीनों पार्ट का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग एवरेज स्पीड क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 6 डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3/1/2 + 1/3 + 1/6, ये सॉल्व करना है आपको। जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, और ये हो जाएगा 3, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 18/6, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड को डायरेक्ट हार्मोनिक मीन आप 2, 3, 6 कर ले रहे हैं, क्योंकि हर पार्ट में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये नहीं पता है, जिनको पता नहीं है, तो नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, तो देखो नॉर्मल मेथड से एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड ये बोलता है कि टोटल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपको डिस्टेंस निकालना है, तो हर पार्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि पहले पार्ट का डिस्टेंस डी रहा होगा, सेकेंड पार्ट का भी डिस्टेंस डी रहा होगा, थर्ड का भी डी रहा होगा, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या, इक्वल है, ठीक है। तो टोटल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डिम्पल कितना चली है, 3D चली है, तो डिस्टेंस 3D हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट का टाइम निकालना, तो फर्स्ट पार्ट का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डी स्पीड 2 से चली है तो टाइम क्या हो जाएगा, D/2, ये टाइम हो जाएगा। सेकेंड जर्नी का टाइम क्या हो जाएगा, तो D/3, उसी तरह सिमिलरली थर्ड का क्या हो जाएगा, D/6, ठीक है। ये तीनों टाइम निकल गया, अब टाइम का क्या करेंगे, सम करके डिवाइड कर देंगे, तो D/2 + D/3 + D/6, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1/2 + 1/3 + 1/6, इसको सॉल्व करेंगे, कितने लोग बोलेंगे सर ये और ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो देखो एवरेज डायरेक्ट हार्मोनिक मीन निकालोगे तो आपको dx ये सब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, आपकी मर्जी है, आप एक इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन ये जो शॉर्टकट है कब काम आता है, जब हर पार्ट में डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब एक काम करता हूं मैं, अब गेट में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं देता हूं, आप सोचो क्या उसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल मेथड से जा सकते हैं, पहले आपको सोचना है। देखो आप गेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं जैसा बोल रहा हूं उसे फॉलो करो, आप गेट में अच्छा स्कोर 100% करोगे। मैं 5 times फुल स्कोर किया हूं गेट में, मतलब एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आपको करना क्या, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसको वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपका स्कोर अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, जो क्वेश्चन मैं देता हूँ जो गेट में आया हुआ है खुद से आपको अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन गेट 2013 में आया हुआ है 2 marks का, ठीक है। तो 2013 में आया था, कितने के मार्क्स आया, 2 marks का आया था, ठीक है। तो सब लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो क्या इसमें शॉर्टकट लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अब सब लोग आंसर निकाल लिए होंगे, बहुत लोग का मैक्सिमम लोग आंसर निकल गया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ, एक टूरिस्ट है वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, हाफ ऑफ दिस जर्नी, ठीक है, वो किसी जर्नी का हाफ ऑफ जर्नी 60 किलोमीटर करता है, फिर हाफ ऑफ द रिमाइंडर
ठीक है, जितना बचा उसका हाफ कितने से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। अरेस्ट बाई साइकिल एट द 30 किलोमीटर, और जो बचता है उसको किससे, साइकिल से जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग हिज इंटायर जर्नी पूछा है, ठीक है। देखो अब मैं बोलूँ कि कोई यहाँ से वो टूरिस्ट स्टार्ट करता है, उसको यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो हाफ जर्नी जो हाफ मान लो ये मिडिल में है, हाफ वो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये 60 किलोमीटर पर आवर जाता है। अब जो अब देखो आगे क्या लिखा है, ऐसी स्टेटमेंट हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो जो बचा, देखो यहाँ तक तो वो पहुँच गया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँच गया, अब जो बचा इसका हाफ, मतलब यहाँ पे वो कितने से गया हाफ, 30 किलोमीटर पर आवर से गया है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर से गया है। अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसको किससे जा रहा है, साइकिल से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इस पार्ट को यहाँ तक पहुँच गया। अब पूछा है आपसे कि देखो यहाँ से यहाँ तक इंटायर जर्नी का पूछा है, आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का पूछे, या यहाँ से यहाँ तक का पूछेगा तो आपका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक नहीं पूछेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालना पूछेगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का टोटल एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है, क्लियर है। तो देखो अब देखते हैं क्या इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर टाइम कांस्टेंट, ऐसा कुछ है क्या। तो देखो अगर मैं बोलूं कि टोटल ये 1/सेकेंड गया, 1/सेकेंड, अब ये 1/2 बचा, जो 1/2 जो बचा है उसका आधा जा रहा है, मतलब ये 1/4 रहा होगा, और ये 1 बचा हुआ 1/4 रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि टोटल डिस्टेंस सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक 4x है, तो 4x का मतलब आधा 2x ये हो जाएगा, और उसका आधा ये x होगा, ये x होगा, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे तो, ठीक है। तो ये 2x डिस्टेंस है, ये x है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा, आपको एक नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस सोर्स से डेस्टिनेशन तक निकालेंगे, तो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, तो इसको 2x माने, इसको x माने, इसको x माने, ठीक है, क्यों ऐसा माने, सबको समझ में आ रहा है, ये 2x होगा तो इसका आधा x होगा, क्योंकि इसका आधा जाता है फिर बचा हुआ x होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इस वाले पार्ट में 2x, इस वाले में x, इस वाले में x, टोटल डिस्टेंस कितना गया, 2x प्लस x प्लस x, ये डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम निकालना है, तो हर पार्ट का टाइम निकालेंगे, तो पहले वाले पार्ट का टाइम क्या होगा, तो पहले वाले पार्ट का अगर टाइम निकाले तो 2x डिस्टेंस गया कितने से गया, 60, तो ये पहले वाले का टाइम निकल जाएगा। दूसरे वाले का टाइम निकालना, तो x गया कितने से गया, 30, ये दूसरे वाले का टाइम निकल जाएगा। थर्ड वाले पार्ट का टाइम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, x बाई 10, अब इन तीनों टाइम को सम करके डिवाइड कर देंगे, तो 2x डिवाइडेड बाई 60 प्लस x बाई 30 प्लस x बाई 10, ठीक है। अब एक्स एक्स पूरा हर जगह तो कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/10, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 4 ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना आपको, 4/15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 25 आ जाएगा, तो 4/15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, तो 5/2, 5/3, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आया था इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं कर रहा, नहीं हार्मोनिक मीन, नहीं एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, नहीं यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट दिया, नहीं डिस्टेंस कॉन्स्टेंट दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक नॉर्मल मैथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, हर पार्ट का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस को सम करना पड़ेगा, हर पार्ट का टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम को सम करना पड़ेगा, और डिस्टेंस को टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा सबका, अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, जो कि खुद से सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो गेट 2018 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का, IN ब्रांच में आया था, ठीक है, ठीक है, IN का मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में आया था, 2 मार्क्स का गेट 2018 में, इसका सॉल्व करके आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को रोक दो, खुद से सॉल्व करो, देखो आपका आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, जो आपका कॉन्सेप्ट लगता है अप्लाई करो। तो सब लोग ट्राई कर लिए होंगे, बहुत लोग का आंसर आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 किए थे सिमिलर क्वेश्चन, बस इसमें डेटा अलग है, ठीक है, तो बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कोई गाड़ी है सिटी ए से बी तक जाती है और फिर रिटर्न आती है सिटी ए, मतलब ए से बी तक जाएगी, रिटर्न आएगी तो फिर यहीं पर आ जाएगी वापस, ठीक है, और बोला कि सेम रूट से, सेम रूट का मतलब हो गया
कि सेम रूट का मतलब है कि जितना डिस्टेंस गई थी उतना ही डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में एकदम क्लियरिफाई कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा चेंज कर सकता है कि ए बी से गई दूसरे रास्ते से और बी से ए तक आने के लिए कोई दूसरा रास्ता लिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सेम रूट बोला है, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस वापस आया। आगे क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी वर कॉन्स्टेंट एट द 60 किलोमीटर नेट, मतलब वो जाते वक्त 60 किलोमीटर पर आवर से गया और आते वक्त कितने से गया है, आया है 90 किलोमीटर पर आवर से आया है, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में इंटायर जर्नी का, पूछा यहाँ पर इंटायर जर्नी का मतलब पूरा जर्नी का, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ गया यहाँ से वापस आ गया तब तक का आपको एवरेज स्पीड बताना है। केवल जाने का पूछता तो आपका आंसर क्या होता है 60 किलोमीटर पर आवर, केवल आने का पूछता तो 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जाने आने दोनों को मिला के बताना है आपको, तो अब आपको बताना है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सब सिंपल सी बात है, आपको तो एक चीज़ है कि यहाँ सर यहाँ पर हार्मोनिक मीन वाला भी कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्योंकि गया है जितना डिस्टेंस गया है उतना डिस्टेंस आया है, मतलब इस जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक जाने का एक आने का, जाने का जो डिस्टेंस है और आने का डिस्टेंस सेम है, मतलब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है तो कुछ नहीं करना है, हमको हार्मोनिक मीन ऑफ 60 एंड 90 निकाल लेना है। तो 60 90 का हार्मोनिक मीन किया 2 AB, मतलब 260 × 90 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 90, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता, आप इंजीनियरिंग किए हो तो आप हार्मोनिक मीन नहीं आता होगा आपको, सबको आता होगा, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोनिक मीन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 60 × 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 150, ये कैंसिल आउट करो यहाँ से, ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 और 8 9 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो डायरेक्ट हार्मोनिक मीन क्यों लगा लिया, क्योंकि जाने का और आने का डिस्टेंस क्या सेम है। अगर कोई फार्मूले से लगा निकालना चाहता है तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो दोनों पार्ट का डिस्टेंस निकालो और सम कर दो, तो जाने का डिस्टेंस एक्स माने हैं, आने का डिस्टेंस भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। और टोटल टाइम निकालना है तो जाने का टाइम कितना लगा होगा, जाते वक्त एक्स डिस्टेंस गया कितने से गया है 60 से, तो जाते वक्त कितना टाइम लगा होगा एक्स डिवाइडेड बाई 60 लगा होगा, आते वक्त एक्स आया है और कितने स्पीड से आया तो 90 से, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने पर टाइम आता है, तो आने का टाइम कितना हो जाएगा एक्स बाई 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 / 1/60 + 1/90, अब इसको सॉल्व करोगे तो 260 × 90 60 + 90 आपको दिख गया होगा कि ये और ये तो दोनों बात एक ही हो रहा है। बस एक हार्मोनिक मीन लगाने से क्या होता है कि ये दो तीन स्टेप आपको एक सुख मानने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब है कि इसका भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन क्या है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब बहुत लोग गलती करते हैं, मूर्ख मूर्ख लोग क्या करते हैं, इसको 60 जाने का लिया आने का लिया तो 60 और 90 कितना, इसका एवरेज निकाल लो तो 60 + 90 का एवरेज कितना हो जाएगा 150 / 2, तो ये हो गया 75, तो 75 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में रहता भी है, देखो यहाँ पे दिया है ना, तो 75 वो आप ही के लिए दिया है, मूर्ख जो मूर्ख लोग हैं उन्हीं के लिए दिया है और वो 75 टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बेटा ऐसा होता नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब जाने और आने का दोनों का टाइम सेम लगा होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये अगर इसी क्वेश्चन बोलता कि जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों इक्वल है तो उसका आंसर क्या आता, 75 किलोमीटर पर आवर आता है, क्लियर है। तो जो मूर्खता करते हैं ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता ना, अगर फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को क्या करो आप रिवर्स कर लो और खुद से फिर से एक बार देखो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग जो इंजीनियरिंग सर्विस में आए हैं, ये तो सबको निकाल के बताना ही आंसर, ठीक है। अभी तक इतना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब ये वाला आंसर तो आपको आना ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि गेट इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में आया है, जीएस के पेपर में आया था, ये सबका आना चाहिए, सबका आंसर ये आना चाहिए इसका, ठीक है। और मैं चाहता सब लोग ट्राई करो इसको। तो बहुत लोग तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुस्कुरा दिए होंगे और बहुत लोग, कितने लोग पता चल गया क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किए थे ना, ये गेट में गेट जो गेट 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, वो सेम क्वेश्चन ESC 2019 में कॉपी पेस्ट था, सेम डेटा सेम ऑप्शन के साथ, ठीक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन अभी किए थे हम लोग ना, जिसका आंसर 24 आ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सेम आया, सेम ऑप्शन भी यूज किया गया, देखो 30 36 30 24 18 ऑप्शन दिया है। अब देखो इसका भी ऑप्शन क्या है, 36 33 24 18 ऑप्शन भी सेम है,
मतलब गेट जो 2013 और 19 में जो इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में जो क्वेश्चन आया है एक ही सोर्स से लिया गया है, दोनों एक ही जगह से कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम नहीं बोला जाता है, ये कहीं आया हुआ है, दोनों के दोनों कॉपी किए हैं, सेम क्वेश्चन दो जगह आ गया मतलब कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कहाँ से कॉपी किया, ये बेसिकली क्वेश्चन इन दोनों से पहले सी सेट में आया हुआ है। सी सेट जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का पहला पेपर होता है, पेपर वन, वो सी सेट बोलते हैं उसको। सी सेट में एप्टीट्यूड आता है, तो एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पहले आ चुका था, ठीक है। तो वहाँ से ये दोनों कॉपी किए हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस में, ठीक है। क्योंकि मैं सी सेट का पूरा क्वेश्चन बनाया हूँ, मैं पहले सी सेट वालों को पढ़ाता था एप्टीट्यूड, तो ये सेम क्वेश्चन वहाँ भी था और यहाँ भी है, तो इन दोनों से पहले यहाँ पर आया हुआ है। तो सी सेट के बाद गेट में आया, फिर इंजीनियरिंग सर्विस में आया, तो आप लोग इसको आंसर तो निकाल ही लिए होंगे, 24 आएगा आंसर, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप एवरेज स्पीड का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, ठीक है, जिनको अच्छा लगा वो लाइक कर सकते हैं, जिनको बहुत अच्छा लगा है वो कमेंट करके बता भी सकते हैं, और जिनको अच्छा नहीं लगा उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रिवर्स करके दोबारा देखो। मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप इसको दोबारा देखोगे तो आपको 100% गेन होगा ही होगा। अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हम लोगों से तो आप जुड़ सकते हैं, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बात बता दूं मैं कि इन तीनों में से कहीं ना कहीं जुड़ना है आपको, एक जगह तो जुड़ना ही जुड़ना है। उससे क्या होगा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए, और जो क्वेश्चन होता है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयू के लिए होता है, ठीक है। ऐसा कोई फालतू का क्वेश्चन वहाँ नहीं पोस्ट करता जो कि कभी एग्जाम में नहीं, जिसका चांसेज रहते आने का मैं वही पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आप बहुत लोग फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, जो टेलीग्राम यूज करते हैं टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन रहेगा, अब डेली एक क्वेश्चन देखते रहोगे तो आपका गेट के एग्जाम आने तक आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे भी जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, जहां आपको अच्छा लगता है आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं।